आरएसएस के लोगों ने मस्जिद के सामने जस्ट हनुमान जी की मूर्ति लगाई। भाई तुम मूर्ति लगाना है किसी की भी लगाओ, आप कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन इसका मतलब तुम जानबूझ करके दंगा कराने का प्लान है तुम्हारा। बाबा रामदेव को देखिए, कहीं उसने गलत आइटम बनाए हुए जिनका फूड इंस्पेक्टर ने उसमें छापा मारा, कई आइटम गलत पाए गए, मिलावट पाए गए, उसके घर पे बिल्डर क्यों नहीं चला बताइए, सरकार इसका जवाब दे क्यों नहीं चला, क्या वो साइंटिस्ट है, उसने कोरोना की वैक्सीन बना दी, कितना बड़ा साइंटिस्ट है वो। देश में कितना सारा अतिक्रमण है, तमाम जो रेलवे स्टेशन हुए, बस स्टैंड हुए, या कई एक सरकारी पब्लिक प्लेस है जहाँ पर बहुत सारा अतिक्रमण है, मंदिर है और भी तमाम चीजें, तो हर जगह पर बिल्डोजर कट चलना चाहिए। मेरा रास्ते में बाइक भी रोकी गई थी, तू ज्यादा बोलता तुझे मार देंगे, मरने के लिए तैयार है। अच्छा आपको मरने की धमकी? बिल्कुल बिल्कुल देते हैं, मरने की तैयार है, लेकिन डर नहीं लगता? नहीं डर नहीं लगता है, क्यों डरेंगे? एक बात बताइए, हमारे भाई मर जाएंगे तो हम जी के क्या करेंगे बताइए। तलवार न त्रसूल न कोई तीर चलाना है, भटकी हुई ये दुनिया बुध राह दिखाना है, हमने ठाना है, हमने ठाना है, भीम एहसान को भी चुकाना है, भीम एहसान को भी चुकाना है। साथियों मैं ब्रजमोहन, आप देख रहे हैं जनता आवाज। साथियों इस वक्त हूँ मैं मध्य प्रदेश के मुरैना में। जी हाँ साथियों, मैं अपने गृह जिले मुरैना में एक शादी समारोह में उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर तमाम हमारे बीमारमी के साथी आए हुए हैं और हमारे साथ में खास करके बीमारमी के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सैनी जी हैं। तो जिस प्रकार से देश में माहौल है, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी अजान के नाम पर, कभी जयंती समारोह के नाम पर देश में बवाल मचा हुआ है, और कार्रवाई के नाम पर एक तरफा कार्रवाई बुलडोजर से करा करके दुकानों को, मकानों को धराशायी किया जा रहा है। हालांकि जो कोई अवैध जगह में बना हुआ है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी हुई है, तो उस पर जरूर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन ये देश भारत के संविधान से चलता है, न कि कोई तानाशाही मतलब सोच के द्वारा चलता है, किसी राजा के शासन द्वारा नहीं चलता है। तो क्या मतलब ये जो सरकार फैसले ले रही है, इसके बाद एक लगातार बिना दोनों पक्षों को सुने हुए मकानों को, दुकानों को गिरा रही है, कितना मतलब लोकतांत्रिक देश के लिए सही है, कितना गलत है, इसके लिए मैं सीधा करूंगा मनोज कुमार सैनी जी से। सर कैसे देखिए आप इस? आज जो देश में माहौल पैदा हो रहा है, कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार, हमारा जो देश का संविधान लचीला है, इसमें कठोरतापन भी है, लचीला भी है, इसलिए इस देश का जो संविधान है उसको सभी लोग मानते हैं। लेकिन जो वर्तमान की सरकार है, उन सरकारों ने संविधान के विपरीत जाकर के, मान लो किसी ने अन्याय किया है तो ये संविधान ये कहता है कि इसको दोषी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दोषी के परिवार को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी के साथ बलात्कार किया, अन्याय किया, तो वो दोषी है, उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ तुम उसके मकान को ढेकर कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम उसके न्याय नहीं दे रहे हो, तुम उसके परिवार को, यानी एक व्यक्ति को न्याय देने के चक्कर में तुम उसके पूरे परिवार को सजा दे रहे हो, जो संविधान में संविधान के विपरीत है। दूसरा, इस देश में जो माहौल पैदा हुआ है, चाहे अभी राजस्थानी घटना देख लीजिए, जो हमारे भाई के साथ जाति हुई, हत्या हुई, चाहे अभी आपके खरगोन में देख लीजिए, इनके साथ अभी हमारे भाइयों के साथ गोली मारकर हत्या की गई, इस प्रकार की तमाम जो समस्याएं हैं वो देश में ये मनवादी लोग हैं वो लोग कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि संविधान के विपरीत जाकर के और मन स्मृति को लागू किया जाए। जी और भी आएंगे आपके पास में। साथियों आपको बता दें, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, पर्सनल कार्यक्रम, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक छोटे भाई हैं अनिल गौतम जी, इनके छोटे भाई की शादी है, और ये जौरा विधानसभा के आजाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो जौरा का माहौल है, शादी है घर पे, और आपको बता दें कि ये आपको नज़ारा आपको दिख रहा होगा, तो ये नज़ारा है मुरैना के दलितों का, खास करके मुरैना को बदनाम किया गया है कि चंबल संभाग में डकैत रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी और भी कारण है फेमस होने के, मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर जो दलित अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, किसी की मतलब सहन नहीं करते हैं,
हर क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं। मेरे हिसाब से शायद यही एक चंबल की शान का एक कारण हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश में भी कई जगह शोषण होता है। मध्य प्रदेश मुरैना बिंडो ग्वालियर को छोड़ जाए तो सीपरी चले जाए दतिया टीकमगढ़, यहाँ पे बहुत अन्याय अत्याचार होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से लोग निकल करके अन्य जिलों में भी जाते हैं। तो गौतम जी, क्या चल रहा है आज घर में, शादी का माहौल है, कैसा लग रहा है? मेरी पूरी टीम दिल्ली के चम्मच से बात कर रही है। ऐसा लग रहा है कि एक नई रोशनी इस समाज के लिए उभर कर आ रही है, एक नई रोशनी भीम आर्मी के रूप में समाज को ये रास्ता दिखाना चाहती है कि हम सब लोग कल भी एक थे, उससे पहले भी एक थे और आने वाले भविष्य में भी एक होंगे, पर आज भी हम एक हैं। भीम आर्मी के रूप में ये जो नई रोशनी समाज हित में काम कर रही है, निश्चित है कि आने वाले समय में भीम आर्मी एंड आजाद समाज पार्टी आने वाले समय में सत्ता में भी बैठेगी और बहुजन समाज को एक नया दिशा दिखाने के साथ साथ नया मूड भी दिखाएगी। शुक्रिया। और भी हम बात करेंगे, यहाँ पर तमाम लोग हैं और ये सामाजिक कार्यक्रम है, इसी मुद्दे पर और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम और भी हैं तो इनसे पब्लिक से ओपिनियन लेंगे कि वो कैसा समझ रहे हैं, क्या सोचते हैं जो देश में माहौल चल रहा है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार जाटा हूँ, बीमारी से हूँ, सरगर से हूँ। क्या आप पूछना चाहते हैं बताओ? मैं ये पूछना चाहता हूँ जो देश में जो माहौल है, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर जो लड़ाई या दंगे हो रहे हैं, वो कितने जा रहे हैं और इससे समाज पर क्या प्रभाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नई चाल है ये मकानों को ढाया जा रहा है। ये लोग वही उन्हीं लोगों के मकान ढाए जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। ठीक है, बाबा रामदेव को देखिए, कई उसने गलत आइटम बनाए हुए हैं जिनका फूड इंस्पेक्टर ने उसमें छापा मारा, कई आइटम गलत पाए गए, मिलावट पाए गए, उसके घर पर बिल्डर क्यों नहीं चला बताइए, सरकार इसका जवाब दे, क्यों नहीं चला? क्या वो साइंटिस्ट है? उसने कोरोना की वैक्सीन बना दी, कितना बड़ा साइंटिस्ट है वो, उसमें डिग्री है, किसी भी आइटम को बना के तैयार कर देते हैं। ये सोची समझी साजिश है, इन पर छापा क्यों नहीं मारती सरकार, उनके बकार क्यों नहीं डाती सरकार, केवल गरीबों का नाश करने का प्रयोग कर रही है सरकार। और सरकार क्या है, इनकी चाल है ये, ताकि हिंदू मुस्लिम कभी एक ना हो जाए, अगर एक होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कुर्सी को खतरा है, इसलिए इनको विभाजन करने का काम सरकार कर रही है ताकि इनके वोट एक दूसरे से अलग हो जाए और हमारी कुछ दोबारा से हमको मिल जाए। तो ये मतलब जैसे हिंदू तमाम लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में, इस बात में कितनी सच्चाई? तो भारतीय जनता पार्टी की चाल है सर, विभाजन करने की, एक दूसरे को लड़ाने की, बढ़ाने की, संविधान को दबाने की, हमारी आवाज को दबाने की। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरी जबान पर पूरा ताला लगाने की कोशिश की जा रही है, मैं मांगरोल से हूँ, मुझे बोलने के लिए मना किया जाता है, घर से निकलने के लिए मना किया था, मेरा रास्ते में बाइक भी रोकी गई थी, तो ज्यादा बोलता तुझे मार देंगे, मरने के लिए तैयार है। अच्छा, आपको मरने की धमकी? बिल्कुल बिल्कुल देते हैं, मरने की तैयार है, लेकिन डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता है, क्यों डरेंगे? एक बात बताइए, जब मेरी जनता मर जाएगी तो हम जी क्या करेंगे बताइए? जब जनता ही मर जाएगी, हमारे भाई मर जाएंगे, तो हम जी क्या करेंगे बताइए? इस गुलामी की जिंदगी से तो शहरी होना ही अच्छा है। लेकिन हर आदमी ये बात कहाँ सोचता है, हर आदमी बिल्कुल सोचेगा, बिल्कुल सोचेगा। चलो, और भी हमारे साथ में है मीना मोहन मौर, भीमसेन सिंगर। तो ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो दंगे हो रहे हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है और सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है? ये तो हिंदू मुस्लिम दंगे की बात है, ये कोई जनता नहीं करती इसको, या आम इंसान नहीं चाहता, ना तो हिंदू चाहता है, ना ही कोई मुसलमान चाहता है, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है जो सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए नेताओं का काम है। और आम जनता चाहे हिंदू या मुसलमान, कोई नहीं चाहता कि ये दंगा फसाद हो, और परेशान आम जनता को ही करते हैं, और इस तरह से हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद करके लोगों को लड़वाते हैं, झगड़वाते हैं और सिर्फ अपने वोट की राजनीति करते हैं। चल रही है बुलडोजर, कितना सही है बुलडोजर, गलत कहाँ कहाँ पर चलना चाहिए अभी? देखिए, बुलडोजर जो ये चल रही है भाई, ठीक है, जैसे कांग्रेस ने जो अभी राजस्थान में जो केस हुआ है वो, वैसे तो ये मैं कहूंगी कि ना तो कांग्रेस दूध की दिल्ली है, ना ही बीजेपी दूध की दिल्ली है, ये तो
ये जो मंदिर बना होगा उस टाइम तो बीजेपी तो अभी है, इससे पहले तो कांग्रेस का ही शासन था, तो उस टाइम बनाना ही नहीं चाहिए था सरकारी जगह पर उस मंदिर को। और दूसरी बात है कि एक राजस्थान में बुलडोजर चलाने से या एक जगह अगर एक जगह तो मुद्दा उठा रहे उससे हो क्या जाएगा, पूरे देश में कितना सारा अतिक्रमण है, तमाम जो रेलवे स्टेशन हुए, बस स्टैंड हुए या कई एक सरकारी पब्लिक प्लेस है जहाँ पर बहुत सारा अतिक्रमण है, मंदिर है और भी तमाम चीजें, तो हर जगह पर बुलडोजर कर चलना चाहिए। दूसरी बात आप देख रहे हो कि हमारे गांवों में जो किसान लोग हैं उनको जो पट्टा मिला है और उस पट्टे पे अभी भी जो जनरल जाति का कब्जा है, हालांकि नाम जो पट्टा नाम अभी भी SC ST लोगों का है बट वो अपना हक नहीं ले पा रहे, उसमें अपनी खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर बुलडोजर कब चलेगा, वहां पर जरूरी है ना। बड़ा सवाल जयमिन जी, ये उन्होंने बोला तो मेरे भी संज्ञान में आया कि ऐसे लगभग मुरैना जिले में ही कम से कम ज्यादा नहीं तो 1000 केस होंगे जिसमें जो SC ST है, दलित आदिवासियों की जमीन, दलित आदिवासी के नाम पर जमीन है। आप चूंकि जिला अध्यक्ष तो आपके पास इस मामले आएंगे, तो इन पे बुलडोजर कब चलेगी जो सवर्ण उन पर कब्जा की है। हाल में कम से कम जिले में अगर देखा जाए तो हर गांव में कांग्रेस के शासनकाल में पट्टी तो थी लेकिन कब्जे नहीं थी। आज की तारीख में 2-3 गाँव की तो ताजी घटना है, मांगरोल में करीबन 100 बीघा जमीन जिनमें उनके नाम स्वयं की पट्टे हैं लेकिन वो दमंग लोगों के कब्जे हैं। हमने अभी भी इसमें आंदोलन किया था, उसमें SDM कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया कि भाई आप हमारे गरीब लोगों को तो अठाने पहुंच जाते हैं, अगर उसकी किराने की भी दुकान रोड से रखी हो या कहीं रखी हो तो उसको अठाने पहुंच जाएंगे, लेकिन जो बरसों से जो व्यक्ति को कब्जा मिले पट्टे मिले हुए हैं लेकिन उनको कब कठाने जाओ जिसका दमंग लोगों का है। तो अभी उस पर मौन चुप रहे, अभी इसमें वीरमपुरा में भी है, कैमरा में भी है, आपका इधर मांगरोल में भी है और आपका झुंडपुरा में भी है, यानी करीबन 1000 बीघा जमीन जो SC ST के लोगों के नाम पट्टे हैं उनकी किताबें भी हमारे पास है, खसरा खतौनी भी है, सारे एविडेंस, लेकिन उसके बावजूद आवेदन देने के बावजूद गांव वालों ने लेकिन आज तक उनको पट्टा नहीं दिलाया गया, उनको कब्जा नहीं दिलाया गया। दूसरी बात जो यहाँ का जो आज प्रशासन है, मुरैना की बात करें तो हमारे साथ चाहे कर्मचारी भाई हो चाहे किसान हो, जो प्रशासन बैठा हुआ है वो टोटली BJP माइंड का है, वो सीट की बेस पर काम करता है। अभी देखिए एक ताजी घटना है, मुरैना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें जो सूडू कास्ट के जो कर्मचारी हैं, MBS डॉक्टर हैं, सीनियर टीम में BL मोर का नाम आता है पूरे जिले में, लेकिन उसको ना बनाते हुए CHMO उसकी जगह 10 साल जूनियर डॉक्टर को उसको CHMO बना दिया गया, इससे और फिर इतना ही बना दिया तब भी ठीक है, इसके बावजूद जो सीनियर डॉक्टर है उसको बार बार टॉर्चर करता है। इसी प्रकार का आज मुरैना 25 थाने हैं, हालांकि दोनों सूडू कास्ट के कलेक्टर और SP सूडू कास्ट के दोनों बैठे हुए हैं लेकिन 25 थानों में से आज की तारीख में जो 20 लाख की जनसंख्या, 5 लाख जनसंख्या जो सूडू कास्ट की है जिसमें खासकर जाटव बोल कम्युनिटी के उन्हीं के लोग हैं, उनका नेतृत्व करने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये लोगों ने आज की तारीख में एक भी सुरक्षा का थाना प्रभारी नहीं रहने दिया, ये है। दूसरा अभी एक ताजी घटना हुई है बाबा साहब जो आपकी बेरी गांव है, उसमें क्या है कि बाबा साहब की अनुयायी है भाई, जगह शासकीय है, जो भी किया उसने ठीक किया नहीं किया या गंदी जगह में लगाया वो बात तो अलग है, लेकिन उन्होंने प्रतिमा लगाई उनकी आस्था है, लेकिन इतना बड़ा उन्होंने उनके ऊपर धारा लगाई यानी NSA जो राष्ट्र का कहते हैं इसको, जिसको केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इसको तय करती है कि किस व्यक्ति के ऊपर ये राष्ट्र का लगाई जाए, लेकिन बिगर सोचे समझे उसके पास किसी प्रकार का अपराध नहीं है, सिर्फ जैक उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा लगा दी गई उसी मामले को लेकर के 64 लोगों पर FIR दर्ज की गई और एक व्यक्ति पर राष्ट्र का लगाई गई, जिस सरेआम हमारे दलितों को दबाने के लिए और उनके साथ संविधान के विपरीत जाकर के वो काम कर रहे हैं। इस प्रकार की तमाम जिले में घटना है, उसमें भी खास करके मुझे जहां तक संज्ञान में आया है पढ़े लिखे लड़कों की ज्यादा लिस्ट में पहले उनको लिया गया है, तो यहाँ पर साथ ही सवाल ये उठता है कि चलो बाबा साहब की प्रतिमा लगाने पर आप राष्ट्र का लगा रहे हैं, तमाम ऐसे मीना जी ने बोला था अभी चाहे थाने हो
कोई पब्लिक प्लेस हो, हॉस्पिटल हो, लगभग 10% छोड़ दो, 90% जगह पर किसी ना किसी का मंदिर मिल जाएगा। ये मंदिर अभी मेरे सामने रेस्ट हाउस रहता है, आज से 7 साल पहले 8 साल पहले कोई उसमें मंदिर नहीं था। पहले एक मूर्ति रखी, फिर 10 फुट में, फिर 100 फुट में, आज कम से कम बहुत बड़ा इस केलारस के अंदर उसमें मंदिर बना दिया। तो इन पे रास्ता कब लगेगी? हालांकि ये जवाब तो सरकार देना चाहिए, गरीब हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कभी आंदोलन करें। अभी ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश, इनका जो मत रहता है, जब भी बाबा साहब की प्रतिमा लगाए, किसी प्रतिमा लगाए, इनका ये मत रहता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। चलिए हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उसमें ये भी दिया गया है कि आप अनुमति उनको विधिवत दीजिए। हमारे लोग अनुमति देते नहीं देते हैं। अभी तत्काल में दो घटना आपको जिक्र बताना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान के नाम लड़ाते हैं, अभी इस्लाम पूरा एरिया है मुलेना, आरएसएस के लोगों ने मस्जिद के सामने जस्ट हनुमान जी की मूर्ति लगाई। भाई तुम मूर्ति लगाना है किसी की भी लगाओ, आप कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन इसका मतलब तुम जानबूझ करके दंगा कराने का प्लान है तुम्हारा। इसी प्रकार की अभी जैसे यहाँ तो बाबा साहेब प्रतिमा लगा दी, कहा जो उनकी गड्डी है बगल में यहाँ पर, उसमें करीब चार पांच बीघा जमीन पर आपने लगाई, वहां तो आप लोग नहीं FIR करी किसी के ऊपर, भाई दलितों के ऊपर ही क्यों? हम जो चाहते हैं सरकार से, अगर दोहरा चरित्र अपनाएंगे तो आने वाले समय में ये दलितों का और भीम आर्मी और जो आया समाज पार्टी है ना, आपकी जड़ों को काट के फेंकेंगे। चाहे आप BJP हो या कांग्रेस के हो, जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, जो भाई को भाई से लड़ाने का, जो सामाजिक द्वेष भावना फैलाने का काम कर रहे हैं, वो ज्यादा दिनों तक आपकी चलने वाली नहीं है। तो हम जानना चाहेंगे, मैं तो क्योंकि यहाँ से हूँ, लेकिन पूरी दुनिया और पूरा देश हमें देख रहा है, दलितों की यहाँ की स्थिति क्या है, और बहुत खास करके बहुसंख्यक समाज की SC ST OBC माइनॉरिटी, और उसमें यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र भी बहुत है, तो यहाँ की जो सामाजिक स्थिति है वो क्या है और कैसे बेहतर बन सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है प्रदीप राजौरिया जी, साथियों क्रांतिकारी जय भीम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सामाजिक स्तर पर अगर बात की जाए तो हम सबसे भाईचारा बढ़ाने की बात करेंगे, और हमारे जितने भी नए युवा सामाजिक कार्य में चलता है हिस्सा लें, जब तक आप एक दूसरे का साथ मिलकर नहीं चलोगे तब तक आप किसी प्रकार की कोई क्रांति नहीं ला। क्रांति लाने के लिए एक जुनून होना चाहिए, और जुनून ऐसा हो कि एक फोन पर कहीं भी जा सके। इसलिए पहले तो आपको भाईचारे के साथ साथ में सबसे मिलजुल कर रहना होगा। शादी के माहौल में मुझे यहाँ पे 200 लोग नहीं दिख रहे हैं, भाईचारा तो बहुत बड़ी बात होती है। भाईचारा ऐसा होना चाहिए कि एक फोन पे अगर भैया के साथ किसी के साथ अन्याय होता है तो तुरंत सब लोग इकट्ठे थाने पहुँचे। एक व्यक्ति जाएगा तो कभी किसी की FIR नहीं होगी, अगर उसी जगह 100 आदमी जाएंगे तो FIR 2 मिनट के अंदर कटेगी, यही होता। तो सबसे पहले तो हमें एक ऐसी यूनिटी पैदा कर दी। बिल्कुल, यूनिटी तो है वैसे काफ़ी है, लेकिन और ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो अब सभी हम थोड़ा लोग बहुत हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं तो परिचय मात्र ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? आपका नाम? तो क्या कैसे किस चीज़ में काम, बीमारियों काम कर रहा है? बीमारियों क्यों अच्छी लगती है? तो इसलिए अच्छी लगती है, साहब की अच्छी पार्टी है और हम लोगों का संघर्ष करती है, वो हमारे ऊपर मदद भी करती है। मैं फोन से एक फोन लगाया तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। BSP तो थी, BSP में जो BSP वाले तो हमसे सफा नफरत करने लग गए, मेरे संग नहीं थे। नफरत क्यों करने लग गए? हम लोगों के संग जिंदगी से मर गए, बहन के साथ रहते रहते आज वहाँ कष्ट पड़ा, हमने बोले फोन लगा, हमारे लिए फोन भी बंद कर लिया, हम छोड़ दिया। और भी क्या नाम भाई? बीमारी में क्या अच्छा लगा? बीमारी में मुझे अच्छा लगा कि कोई भी हमारे कैसे दलित हैं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं तो हमारी बीमारी के लिए साथ देती है, और जब भी हम बीमारी को चाहते हैं तुरंत आती है, और दलितों के लिए जो भी अन्याय अत्याचार होते हैं उनके लिए सब तैयार रहती है। इसलिए और भी लोग हैं हमारे साथ में बीमारी के सभी साथियों, मेरा क्रांतिकारी जय भीम, मैं कालीचरण जोनवार ब्लॉक अध्यक्ष केलारस भीमारमी से हूँ। सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि सभी भाइयों एकत्र हो जाओ, अब ऐसा समय आने वाला है कि तुम लोग गुलाम होने जैसी कगार पर हैं, और बीजेपी जैसी पार्टियाँ हैं वो सभी को लड़ाने का काम कर रही हैं, और हमारे यहाँ पे जो सवर्ण की घटना है वो
उसमें अपने बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया था, तो उस पर जो एसडीएम के पांडे है उसने अपनी उसमें आकर प्रशासन में आकर हमारे भाई सुनील सोलंकी जी को सरपंच साहब को उसने उसी टाइम पर मतलब भ्रम फैलाकर उसे थाने में बुला के अरेस्ट किया है। वो अभी 14 अप्रैल से बंद हैं उसमें थाने में, उन्होंने उनके ऊपर रासुका लगा दी है और हमारे मतलब 14 से 20 लोगों के ऊपर FIR कर दी है और मुकदमा दायर किया है। लेकिन हम सभी भाइयों से कहना चाहते हैं, अभी 2-1 दिन में हम एक तारीख फाइनल कर रहे हैं, उसमें एक मीटिंग रखने वाले हैं और हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हो सकेगा तो हम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को भी बुलाएंगे यहाँ पे, मतलब भाइयों को छुड़ाने और रासुका लगाने का मतलब हटाने का काम करेंगे। चलो, वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो आपके बीच में सिंगर हैं, मेरा नाम अनिल चंद्रवंशी है, सवलगढ़ विधानसभा से। साथियों, 16 नंबर से पहले बीमार भी आपके हर एक गांव में पहुंच जाती है, कोई भी किसी को कोई जरूरत हो 16 नंबर से पहले बीमार भी पहुंच जाती है। मैंने सुना है कि उससे भी पहले कुछ विशेष पॉलिटिक्स पार्टी के लोग दलाली करने के लिए थाने में पहुंच जाते हैं। राइट राइट बोला आपने, राइट बोला। तो इधर आइए, ये मीना जी हैं, तो टीम खड़ी हुई है, इनके लिए कुछ 4 लाइन सुनाओ जो हमको भी अच्छा लगे और युवाओं को भी अच्छा लगे और जो अपनी पब्लिक व्यूअर देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगे। अब हमने कुछ टाइम जो भीम आर्मी जैसे संगठन है और भी युवा लड़के जो बाबा साहब के लिए मिशन के लिए इस देश के लिए और समाज के लिए जो बहुत अच्छा काम करते हैं उन्हीं के जोश के लिए उनको सम्मानित करते हुए गाना लिखा था, क्योंकि अभी सभी बीमार भी वाले हैं और सभी सामाजिक युवा लोग हैं उन्हीं के लिए पर्सनली एक गाना था जो मैं आपको अभी कुछ लाइनें उसकी सुनाऊंगी, कुछ इस तरह से है। अपनी ताकत को तुमको पहचानना है, अपनी ताकत को तुमको पहचानना है, जंग मनुवाद से तुमको लड़ना है, जंग मनुवाद से तुमको लड़ना है और लड़ना है तुमको सामंतवाद से, और लड़ना है तुमको सामंतवाद से, अपनी ताकत को हो अपनी ताकत को। अरे तो लड़ने के लिए नहीं कि हमको गोली या चाकू वाले नहीं चलाना, कैसे लड़ना है सुनिए। तलवार न त्रसूल न कोई तीर चलाना है, तलवार न त्रसूल न कोई तीर चलाना है, भटकी हुई ये दुनिया बुध राह दिखाना है, हमने ठाना है भीम एहसान को भी चुकाना है, भीम एहसान को भी चुकाना है, अपनी ताकत को हो अपनी ताकत को। इसमें तो बहुत परेशानी आएंगी, नहीं देखिए इसमें इस तरह से अगर लड़ते हुए परेशानी आएंगी तो हमको क्या करना है सुनिए। दीवार मिले ऊंची दरिया को लांघना है, चट्टान मिले ऊंचे ऊंचे पर्वत झुकाना है, दीवार मिले ऊंची दरिया को लांघना है, चट्टान मिले ऊंची ऊंचे पर्वत झुकाना है। अरे जय जय भीम, कैसे अगर हम जय भीम बोलेंगे और बाबा साहब का नाम लेंगे तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जय जय भीम, जय जय भीम, जय जय भीम, जय जय भीम, जय भीम का नारा लगाना है, अपनी ताकत को हो अपनी ताकत को। तो साथियों, ये था मुरैना जिला और मुरैना जिला का खास करके मेरा गृह कस्बा जहाँ पर मैं रहता हूँ कैलारस का, कैलारस में एक शादी समारोह था
वहाँ पर मेरी प्लान नहीं था कि मैं रिपोर्टिंग करूंगा, लेकिन सभी युवा साथी आ गए तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए, आपसे रूबरू कराया जाए। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये रिपोर्टिंग कैसी लगी, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज़। नमस्कार, जय हिंद।